अभी आह्वान अखाड़ा निकला है शाही स्नान के लिए और जूना अखाड़ा उनके ठीक पीछे मैं तस्वीरें देख रहा हूं। और आप देखिए कैसे विदेशियों में भी इस कुंभ का जो रंग है वो चढ़ा हुआ है। यहां पर इटली से एक महिला पहुंची हुई है। व्हाट इज योर नेम? लाउरा। लाउरा, हाउ यू आर फीलिंग हियर इन कुंभ? आई एम फीलिंग वेरी वेरी गुड, इट्स ग्रेट हियर। आई लव द एटमॉस्फेयर एंड द पीपल एंड आई फील लव्ड। I don't know how can I say it. What message will you take from here to your country? That we are all brothers. We are a big family. All the world is a big family. No matter the difference, the eyes. I think I'm feeling like I'm one of you. Do you understand? बिल्कुल। देखिए सचिन, वसुधैव कुटुंबकम की पूरा विश्व, पूरी दुनिया एक है, यही संदेश यहाँ कुंभ से है। और यही लाउरा यहाँ पर ये बता रही है कि वसुधैव कुटुंबकम का जो संदेश है वो कुंभ से पूरी दुनिया को जाएगा। तो जिस बात को आप सुबह से सचिन कह रहे थे उसी बात को यहाँ पर लोग भी आगे बढ़ा रहे हैं कि ये कुंभ सिर्फ संगम में डुबकी लगाने का कुंभ नहीं है बल्कि पूरी दुनिया को एकता के सूत्र में जोड़ने का भी ये कुंभ है। यहाँ पर जाति धर्म की जो सारे बंधन है वो टूट जाते हैं। यहाँ जो कोई आता है वो हर कोई एक श्रद्धालु के तौर पर आता है। यहाँ किसी की जात नहीं पूछी जाती है, किसी का धर्म नहीं पूछा जाता है, किसी का देश नहीं पूछा जाता है, किसी का समाज नहीं पूछा जाता है। तो एकता में पिरोने का सबसे बड़ा मंच अगर आज की तारीख में कुछ है तो वो कुंभ बनकर उभर रहा है। और कुंभ एक तरह से एक सबसे बड़ा संदेश ये दे रहा है कि हर कोई एक है, भेदभाव को मिटाया जाए, भेदभाव को दूर किया जाए, ऊंच नीच और जातिवाद को खत्म किया जाए। तो इस तरह का संदेश भी इस कुंभ से लगातार मिल रहा है। पहले शाही स्नान में भी आपने देखा होगा जो लोग यहाँ पर पहुंचे थे वो इस तरह की बातें कर रहे थे, जो दूसरे शाही स्नान में भी इस तरह का संदेश लोगों ने दिया और तीसरे शाही स्नान में भी लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। एक बार मैं सबसे पहले आपको तस्वीरें और दिखा देना चाहूंगा कि किस तरह से जो यहाँ पर साधु संत है वो सीधे तौर पर अपने अपने रथ पर सवार है। मैं श्रद्धालुओं से थोड़ा निवेदन करूंगा कि पीछे हट जाएं। एक बार हम तस्वीरें दिखा दें कि कैसे जो रथ यहाँ पर किए गए हैं, नागा साधु संत भी उनकी तरफ जा रहे हैं। और इसके अलावा आप देखिए रथों पर साधु संत विराजमान हैं, वहाँ पर बैठे हुए हैं, अपनी बारी की प्रतीक्षा में हैं कि आखिरकार कब वो संगम पर पहुँचे और शाही स्नान के लिए डुबकी लगाए। तो इस तरह की तस्वीरें यहाँ पर आपको लगातार देखने को मिल रही हैं। श्रद्धालु भी भारी तादाद में, और आप देखिए किस तरह से पूरे रथ को सजाया गया है, कैसे यहाँ पर जो भगवा झंडे हैं वो उनके हाथों में हैं। हर उम्र के यहाँ पर श्रद्धालु आपको उनके रथों पर दिखाई पड़ेंगे। तो इस अपने अपने झंडों के साथ वो संगम की तरफ जा रहे हैं, अपनी प्रतीक्षा में है। कुछ साधु संत यहाँ पर जा रहे हैं, उनसे बातचीत भी करते हैं, अगर बातचीत करेंगे। हालांकि अभी स्नान के लिए जा रहे हैं, ये लोग बातचीत से मना कर रहे हैं सचिन। तो आप देखिए ये सारी तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। लोगों से अगर आप बातचीत करिए तो कुंभ से यही एक तस्वीर निकलती है कि हर कोई एक है और एकता का सबसे बड़ा संदेश यहाँ से जा रहा है, जो कि हम अपने राजनेताओं को भी उम्मीद करेंगे कि वो लोगों की बातचीत सुन रहे होंगे और वो जातिवाद में लोगों को ना बांटकर पूरे भारत को, पूरे देश को एकता में पिरोने का काम जरूर करेंगे।